सो यू गेमर्स, फाइनली गरेना फ्री फायर में जो हमारा न्यू पेच अपडेट यानी कि OB38 अपडेट आ रहा है 11 जनवरी का, उसको ऑफिशियल सभी पोस्ट आ चुके। तो आज के वीडियो में डिटेल्स में समझाएंगे कि क्या क्या चेंजेस होगा। सबसे पहले नंबर का चेंजेस, आप लोगों को न्यू वेपन लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका रीजन यानी कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी वेपन किसके अंदर यूज होती है, यानी कि BR में कौन सी होती है, CS में कौन सी होती, लॉन वॉल्फ में कौन सी होती है, वो पूरा आपको डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। SMG हो, शॉर्ट गन हो, फिर हमारा AR वाला हो या स्नाइपर हो, सबका एकदम डिटेल्स में आप लोगों को समझा देंगे न्यू वेपन लीडर बोर्ड के अंदर। दूसरे नंबर का आएगा न्यू कैरेक्टर जो रहेगा एंटीनो की गाइस ऑलरेडी एबिलिटी का वीडियो में डाल चुका हूं, सेकंड चैनल पे या मेन चैनल पे कहीं ना कहीं तो डाला है, आपको लास्ट में दे दूंगा। ओके, फिर गाइस आप लोगों को न्यू पेज देखने को मिलेगा, कैक्टस इसकी भी एबिलिटी का वीडियो OB38 अपडेट की चेंजेस में डाल चुके हैं। फिर गाइस आप लोगों को चेंज फॉर BR यानी कि बैटल रॉयल के अंदर आप लोगों को न्यू लूट एरिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस आप लोगों को बैटल रॉयल के अंदर दो नई आइटम देखने को मिलेगी, एक जैमर देखने को मिलेगा और लूट रेडर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों आई थिंक मैंने कवर किया था, जैमर का नहीं किया था लेकिन लूट रेडर का किया था OB38 अपडेट के अंदर। तो इसमें क्या होगा सिंपली मैं यही आपको समझा देता हूं। तो जैमर के अंदर वैसा होगा कि गाइस आप लोगों के ऊपर अगर कोई UAE यानी कि जो हमारा कैमरा छोड़ते हैं वो, फिर क्लू, इन सब का आपको पता चल जाएगा, इक्विप्टेड होगा या उसका आपको फुल डिटेल्स रहेगा, यानी कि उसको आप लॉक कर सकते हो। सामने वाला बंदा अगर कैमरा छोड़े और आपका जैमर स्टार्ट होते वो लॉक हो जाएगा। साथ में लूट रेडर के अंदर क्या होगा कि जो अच्छी आइटम है जैसे कि Level 3 का वेस्ट हो चुका, Level 3 का बैकपैक हो चुका, जो आप सबसे ज्यादा गन यूज करते हो, वो सब अगर आपके एरिया में होगी तो आपको सीधा पिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो उसको कहते हैं लूट रेडर। ओके, इसके अलावा CS में इंप्रूवमेंट होगा, यानी कि जो हमारा क्लैश स्क्वाड है उसके अंदर गाइस आप लोगों को जो हमारा चौन पहले बीचों बीच आता था ना, अब एक साइड जाएगा, मतलब जिनके साइड जाएगा उनका फायदा। गरीना भाई साहब कुछ भी चेंजेस कर देता है, तो एग्जाम्पल तरीके से मैं चौन की तरफ हूँ और आप चौन के बाहर हो तो किसका फायदा हो गया, तो वो राउंड तो हम ही जीतेंगे, क्लियर सी बात है। तो एक तरफी गेम हो जाती है ऐसा मुझे लगता है। ओके, इसके अलावा गाइस कैरेक्टर अपडेट्स के अंदर हमारा स्काइलर की चेंज किया गया है और केंटा को चेंज किया गया है, और साथ में जितने भी आपके कैरेक्टर स्किल स्लॉट है वो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट ओपन मिलेंगी। मतलब गाइस आप लोगों को गोल्ड या डायमंड वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा तीनों के तीनों ओपन मिल जाएंगे, यानी कि आप यूज कर सकते हो कोई भी कैरेक्टर में, तो वो अच्छा लगा। साथ में स्काइलर की भी एबिलिटी अच्छी की है गरेना फ्री फायर ने, केंटा की भी अच्छी की है, तो कैरेक्टर स्किल चेंजेस होना जरूरी है। लेकिन वैसा नहीं कि हर बार आप नया कैरेक्टर दो, कैरेक्टर एबिलिटी आप ठीक करो लेकिन कैरेक्टर देना जरूरी नहीं है। अभी 52 कैरेक्टर के साथ हमारा गरेना फ्री फायर सबसे टॉप में, सबसे ज्यादा अगर किसी के अंदर कैरेक्टर है तो वो गरेना फ्री फायर है, तो वैसा करने की कोई जरूरत नहीं ऐसा मुझे लगता है। फिर गाइस आप लोगों को न्यू पेच मिशन देखने को मिलेगा जिसके अंदर स्काइलर फिर केंटा परमानेंट नहीं मिलेगा, 7-7 दिन के लिए आपको मिलेगा और कुछ गन्स क्रिएट मिलेंगी। तो गाइस ये सभी चेंजेस आप लोगों को OB38 अपडेट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर गाइस आप लोगों को एक गरेना फ्री फायर ने कवर नहीं किया, वो है कि गाइस हमारा जो यहाँ से ग्लोबल 4 मिलने वाला था ना, वो गरेना ने इसमें कवर नहीं किया, तो मेरे ख्याल से अपडेट के बाद वो दे देंगे, अभी के लिए इसके अंदर दिखाया नहीं गया। इसके अलावा तो गाइस आप लोगों को इसमें जानने वाली कोई और बात नहीं है, यही रहेगा। 11 जनवरी को हमारा ऑफिशियल OB38 अपडेट आएगा, उसके बाद गरेना फ्री फायर भी आ जाएगा प्ले स्टोर के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, और आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।